अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अयाज ब्लॉग्स ऑफिशियल। तो गाइज, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए कि जो हमने तुर्की बुरसलारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसका रिजल्ट हमें कब अनाउंस होगा और हम इंटरव्यू की ईमेल हमें रिसीव होगी या नहीं होगी। तो इन क्यूरीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि मैंने कहा कि आप लोगों को आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ कि भाई आप लोगों को इंटरव्यू की ईमेल कब आनी है और किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू की ईमेल रिसीव होनी है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि तुर्की बुरसलारी स्कॉलरशिप जो वो काफ़ी हाईली कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। तो इसमें ये नहीं कि आप अगर आपके हाई मार्क्स हैं या हाई सीजीपीए है तो आप ये सोच लो कि भी आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। तो गाइज, ऐसा नहीं है। आप तुर्की बुरसलारी स्कॉलरशिप में आपकी पूरी प्रोफाइल मैटर करती है, लाइक कि आपकी सीजीपीए, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है आपकी सीजीपीए कितनी है, आप कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट है आपके मार्क्स कितनी है, देन आपने फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में कितना पार्टिसिपेट किया, लाइक आपके पास सर्टिफिकेट्स कितनी है, आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हुआ है तो आप उसने आपके पास उसका कोई प्रूफ है नहीं है, आपने कोई प्रोजेक्ट, कोई इंटर्नशिप, आपने आइट्स का एग्जाम दिया हुआ या आपने कोई और जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों में आ जाते हैं, आपने इन चीज़ों में कितना पार्टिसिपेट किया हुआ। तो तुर्की बुरसलारी स्कॉलरशिप में आपकी ओवरऑल प्रोफाइल मैटर करती होती है कि लाइक आपने अपनी डिग्री से हट के और किन किन चीज़ों पर फोकस किया और आप किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो गाइज़, ये मैटर करता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह से प्रोसीड किया। अगर आपने उसको वेल अप्लाई किया है कि मतलब आपने हर एक चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन किया, आपने लेटर ऑफ इंटेंट में वेल परफॉर्म किया है, आपने उसके बाद अपनी सीवी अच्छी तरीके से बनाई है और आपने पूरी एप्लीकेशन को अच्छी तरह से रिव्यू करा के देन आपने सबमिट किया है, तो फिर श्योरिटी है कि आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। और जो इंटरव्यू का जो मेल का जो प्रोसीजर है इनका, ये होता है कि भी इनके कैलेंडर के मुताबिक ये समटाइम्स फॉलो करते हैं और समटाइम्स ये फॉलो नहीं करते। तो इनके कैलेंडर के मुताबिक तो जून, मई या जून में आपको मेल आ जाती है, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि भाई ये जून से पहले भी भेज देते हैं और समटाइम्स ये होता है कि जून के लेट भी भेज देते हैं। तो जो हमें मेल रिसीव हुई थी पिछली बार, जो मुझे तुर्की बुरसलारी की मेल रिसीव हुई थी, वो मुझे हुई थी 13 जून को। देन मेरा जो इंटरव्यू था वो था तकरीबन 25 जून को मेरा इंटरव्यू था। और उसके बाद उस दौरान जब हमें मेल रिसीव हुई थी, उस दौरान कुछ कंट्रीज़ के बच्चों को मेल रिसीव नहीं था, जैसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी लेट मेल रिसीव हुई थी, लाइक कि उनको जुलाई के भी एंड में मेल रिसीव हुई थी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि अगर इंशाल्लाह आपने अपनी एप्लीकेशन में वेल परफॉर्म किया तो आपको ज़रूर लाजमी इंटरव्यू की मेल वगैरह आएगी। तो ये इंटरव्यू की मेल आपको जून में रिसीव होगी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको एक साथ आपकी कंट्री के स्टूडेंट्स को मेल रिसीव होती है और आपको मेल नहीं आती, इट मीन्स आप रिजेक्टेड हैं। तो आपने हिम्मत नहीं आनी, आपने नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करना है। लेकिन यह है कि जब तुर्की बुरसलारी स्कॉलरशिप के आपने स्टूडेंट्स को मेल करती है तो हर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को सेम टाइम पे मेल आती होती है, लाइक अगर आप उन्होंने पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो पाकिस्तान के तमाम बच्चों को एट ए टाइम मेल आएगी। ये नहीं कि कुछ बच्चों को आ जाइए या कुछ को कल आइए, तो सबको एट ए टाइम सेम टाइम पे ही मेल आएगी। और देन उसका जो रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट है, रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट हमेशा तकरीबन यह है कि ये लोग अगस्त में मेल करते होते हैं। जो मुझे जो मेल आई थी वो आई थी 15 अगस्त को आई थी मेल सिलेक्शन की, कि भी आपकी सिलेक्शन हो गई इस फला यूनिवर्सिटी में फला सिटी में। तो आप लोगों को जो रिज़ल्ट होगा वो आपको अगस्त में रिसीव होगा और जो आपको इंटरव्यू की मेल्स आएंगे वो आपको जून में रिसीव होंगी। तो देन मैं आपके पास ये आपकी क्वेरीज थी कि भाई आपको रिजल्ट कब अनाउंस होना है और आपको अगर इंटरव्यू की मेल आनी है नहीं आनी, तो ये इनके जवाब थे कि अगर आपकी स्कॉलरशिप, आपने एप्लीकेशन में स्कॉलरशिप की अप्लाई के दौरान आपने एप्लीकेशन में इन सारी चीज़ों को फोकस किया जो मैंने बताई हैं, तो देन आप श्योरिटी है कि आपको इंटरव्यू की मेल आएगी। तुर्की बुरसलारी का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो हमेशा ये लेटर ऑफ इंटेंट पर फोकस करते हैं। आप ने अगर लेटर ऑफ इंटेंट को अच्छी तरह से रिव्यू करा के देन आपने सबमिट किया है तो देन आपको श्योरिटी है कि आपको मेल आएगी। तो गाइस, इस तरह की ये जो सारी क्वेरीज थी, तो मज़ीद अगर आपको इस टाइप की कोई क्वेरीज हों कि भाई मुझे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई जो अगर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू किस टाइप का होगा, आपको आपका टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होगा या नहीं होगा, और इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने नेक्स्ट सेशन में उसके लिए भी मैंने एक प्रॉपर डिटेल से वीडियो बनानी है। तो जब आप लोगों को इंटरव्यू की मेल जाएंगी तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, तो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं और आपने वहाँ पर कैसे परफॉर्म करना है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।